नमस्कार, हम ऋतुंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचर का सबका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे एक बेहद बड़ी खबर के साथ। बतावा जा लाग है कि यह खबर रीवा जिला के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आए, जहां एक युवती के अपहरण के मामला सामने आवा है। बतावा जा लाग है कि युवती 17 वर्षीय युवती जौने के अपहरण कैलीन गा और यह अपहरण 5 युवकन द्वारा कीन गा और 1 लाख रुपया के फिरौती मांगी गए। यह पूरा वाक्य युवती के पिता द्वारा बतावागा बतावा जात है। युवती के पिता द्वारा बतावागा कि हमारे 3 बिटिया हैं जौन के घर में ही रहती हैं और स्कूल जाती हैं। 17 वर्षीय युवती जौन की 12वीं कक्षा में ही पढ़ा थी, वह बतावागा कि रोज सुबह वो 5 बजे पढ़ाई का उठत रही है भाई, लेकिन आज जब वो बिटिया पढ़ाई का नहीं उठी तब ओखर पिता और भाई जब देखेंगे उठावेंगे तो वो बिटिया अपने रूम में ही नहीं रही। जब नहीं रही तो युवती और भाई ओखर तलाश कर आप शुरू कर दी नींद। तलाश करत करत इतने में ही भाई के मोबाइल में एक मैसेज आवत है कि अगर ये युवती का जिंदा देखना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया के व्यवस्था करा, अब अगर यह बात पुलिस का पता चली तो यह बिटिया की जान का खतरा है। अब जब पिता का ही यह मैसेज मिला था भाई, तो पिता दौड़े दौड़े बैकुंठपुर थाना जात है। बैकुंठपुर थाना में ही पुलिस का ही यह सारी चीजें से अवगत करवावत है। पुलिस तुरंत विवेचना कर अब शुरू कर दी थी पूरे मामले के, पुलिस जांच करे लागा थी। तो बिटिया का ही जो युवती का ही जो उनके अपहरण की बात सामने आई रही, हरदी मोड़ के पास एक मस्जिद है, वह मस्जिद के पास युवती का अचेत अवस्था में ही पावागा। वह युवती का ही जिला अस्पताल संजय गांधी रीवा का रेफर कर दीनगा। अब पूरे मामले के ही पुलिस विवेचना कह रही है, जांच कह रही है। यह मामले में श्वेता मौर्य के कहा भवे कि फिलहाल अब कुछ कह दे उचित नहीं है, अब युवती का जब तक के होश ना आ जाए। जब युवती अब अचेत अवस्था में है, संजय गांधी अस्पताल रीवा में ही एडमिट ही, जब युवती का होश आ जाए तब पूरे मामला जब युवती बताई तब यह मामले के खुलासा हो पाई कि आखिर युवती के साथ क्या भ रहा है। अपना पंचन का बताई कि यह पूरे मामले में ही पिता युवती के पिता 5 युवकन के ऊपर आरोप लगाई नहीं वह और 1 लाख रुपया के ही फिरौती मांग करे नहीं, ऐसा यह 5 युवकन के ऊपर आरोप लगावा गया है। लेकिन अब बैकुंठपुर थाना प्रभारी के कहा भाई कि ऐसा कौनो मैसेज अब नहीं मिला है, फिलहाल जब तक युवती होश में नहीं आवा और युवती के बयान दर्ज नहीं हुए तब तक अब कुछ कहा उचित नहीं है। घटना हुई आपकी बच्ची के साथ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? हम सुबह 5 बजे जागे तो गए बच्ची के रूम में, तो बच्ची का रूम खुला था, उड़कावा था कमरा, 3 बच्ची हमारी कष्ट से हो रही थी, तो वो लड़की नहीं रही, तो देखन के कहाँ टैंक में गए हो कि छत में गए हो, तो कहाँ नहीं दिखान, इधर उधर दिखन कहाँ नहीं दिखान, फिर मोबाइलों हमार नहीं रही आए, तो फिर वहाँ पुलिस स्टेशन का थाना रिपोर्ट करन, तो फिर वह हमारे मोबाइल से मैसेज आवे कि 1 लाख रुपये दो और नहीं हम तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। और फिर हम वहाँ पुलिस थाने में थे तो उसको सूचना चल गई, बोला कि तुम्हें पुलिस थाने में बताए थे कि मत करो रिपोर्ट, तुम रिपोर्ट कर दिए हो तो अब तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। फिर हम लोग इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे, तो फिर हमारे बालक मैम हमारे बच्ची का एवं मैसेज करे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मोबाइल से कि नहीं 1 लाख हमको पैसा दो नहीं मार डालेंगे। फिर फोन आवा, वहाँ पड़ी रही मस्जिद है हरदी मोड़ के आगे मुलायम दद्दा, वहाँ ले जाए के ओकर मेघ दिए रही, तो वह लड़की वहाँ पड़ी रही है भाई, फिर खेत काटत रहा तो वो मोबाइल उठाइस और चालू करीस, थोक पानी वानी करी तो वो सुरमाई हुई, तो फिर फोन लगाइस मोबाइल में कि यहाँ एक लड़की भी होश पड़ी। क्या बताया, क्या कह रहे थे, क्या किए उनके साथ? बच्ची बताई सी कि नहीं हमें 4:30 के अलार्म लगाए रहन मोबाइल में पढ़ा के जागन, तो अलार्म बाज तो बाहर कही आंगन कही मतलब घर के अंदर आंगन है, तो आंगन कही बाथरूम पे ली, तो जैसे कैमरा खोलिस तक बाहर 3-4 आदमी 5 आदमी बताइस कि मुँह बाँध बाँध खड़े रहे, तो जैसे कैमरा खोली तैसे होकर बेहोश कही के सीधे उठाल काहे में ले गए थे काल में? अब कुछ नहीं, उसको सुधा नहीं है कुछ। अच्छा ले गए थे तो क्या कुछ गलत भी किए उसके साथ? अब गलत अब सर जांच चल रही है, दबा उसकी हालत थोड़ी सीरियस है, हाथ पैर टाइट हो रहा है, हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है, बैकुंठपुर में दिखाएं, बैकुंठपुर से रीवा रेफर कर दिए हैं। बच्ची आपकी 12वीं क्लास में है, इस वर्ष परीक्षा दी है। नशीली पदार्थ कुछ खिलाए होंगे तब ना बेहोश थी। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर। तो 1 लाख रुपये कैसे मांग रहे थे आपसे, कहाँ पाएंगे आप? ही नहीं पता नहीं सर, जैसे हो अब क्या बताएं हम। अभी कैसी हालत है बच्ची? अभी हालत सीरियस है, दवा चल रही है, जांच हो रही है सब।